नमस्कार मित्रों, मैं अतुल आप सभी का आपके YouTube चैनल लर्न विथ फोकस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मित्रों, जैसा कि मैंने कल के लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल परीक्षा की तैयारी कैसे की जाए, इस संदर्भ में आप लोगों के बहुत से कमेंट आए और कमेंट के माध्यम से आप लोगों ने बहुत से क्वेश्चन पूछे हैं कि सर पीटी का परसेंटाइल कितना जाएगा, पीटी की कितने कट ऑफ होनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि आप लोग पीटी के स्कोर के आधार पर अपनी तैयारी चालू कर दीजिए, तो उसी के संदर्भ में आज थोड़ा सा पहले वीडियो के 4-5 मिनट में पीटी के स्कोर के स्कोर को लेकर जो आपके मन में दुविधा चल रही है या जो आप लोग एक अनिश्चितता आपके मन में चल रही है कि कितना परसेंटाइल जा सकता है, तो इन सभी चीज़ों को मैंने एनालिसिस किया है। एनालिसिस करने के बाद में एक मोटा मोटी कट ऑफ या जो भी आप समझे उसको बताऊंगा, जिसके आधार पर आप लोग अपनी जो तैयारी है उस तैयारी को कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद में आज हम लोग एक नया चैप्टर जो कि आपका सामान्य भूगोल होगा, उस भूगोल को भी हम लोग चालू करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, आप लोगों ने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने प्रथम बार इस पीटी की परीक्षा को संपन्न कराया है। उन्होंने अपनी नोटिफिकेशन में किसी भी प्रकार के कट ऑफ को नहीं डिसाइड किया है, जिसको लेके बच्चों के मन में एक दुविधा उत्पन्न हो रही है। मैंने भी विभिन्न स्रोतों से और अपने अनुभवों के आधार पर जो भी विश्लेषण किया है उस विश्लेषणों में यह पाया है। सबसे पहले मैं तो यहाँ पर आप लोग को यह आगाह कर मतलब एक हिसाब से निर्देश भी देना चाहूँगा कि आप लोग मेरे बेस या मेरे बताए स्कोर के आधार पर अपनी तैयारी को चालू या बंद ना करें, ठीक है। जो एक कॉमन स्कोर है उस कॉमन स्कोर को मैं बताऊँगा, ठीक है। बाद में आप लोग ये मत कहिएगा कि सर आपने तो इतना बताया था, कट ऑफ इतना चला गया। आप लोगों ने रेलवे NTPC के बारे में देखा होगा कि लोग टीचर्स को गाली तक भी दे रहे हैं, ठीक है, या सब एक छात्र को शोभा नहीं देती है। इसलिए सबसे पहले आपको अगर लगे कि इतना स्कोर जा सकता है, जो जेन्युइन चीज़ें होगी उसको मैं बताऊंगा, ठीक है, आप उसको फॉलो करिए। अगर हम परसेंटाइल की बात करते हैं और स्कोर की बात करते हैं, ठीक है, तो मुझे जहां तक लग रहा है कि आयोग क्या कोशिश करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो मुख्य परीक्षा है उस मुख्य परीक्षा में सम्मिलित करे। उस मुख्य परीक्षा के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि जिनका भी स्कोर 75% से ऊपर है, ठीक है, सॉरी जिनका भी परसेंटाइल 75% से ऊपर है और जिनका स्कोर 60 प्लस है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं कि अपनी जो पीटी मुख्य परीक्षा की तैयारी है उस मुख्य परीक्षा की तैयारी को अनवरत रूप से जारी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका पीटी का स्कोर। इसके अतिरिक्त आज हम लोग सामान्य अध्ययन के अंतर्गत ही एक नए विषय को चालू करेंगे और उस विषय के बारे में आप लोग समझ भी गए होंगे, क्योंकि आपके बगल में मानचित्र लगा हुआ है। इस मानचित्र को देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि मैं कौन सा सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं। तो आप लोग जानते हैं कि अगर हम सामान्य अध्ययन की बात करते हैं, तो सामान्य अध्ययन में जो मेन आपका पोर्शन है वो है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान दूसरा जो आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है इतिहास। जो तीसरा है आपका वो है भूगोल। भूगोल में आप लोग दोनों विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल देखेंगे, ठीक है। इसके अतिरिक्त आपके सामान करंट अफेयर्स,
ठीक है, इसी संदर्भ में आज जो हम लोग चालू करेंगे वो भूगोल की क्लासेस को चालू करेंगे। ठीक है, भूगोल आप लोग जानते हैं, भूगोल को हम लोग जो आपकी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाएं होती हैं उसमें इसको हम लोग दो भागों में मोटा मोटी डिवाइड कर देंगे। पहला है भारत का भूगोल, ठीक है, दूसरा जो है विश्व का भूगोल। प्रीवियस लेक्चर में आपको भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था की कक्षाएं चालू की जा चुकी हैं, आप लोग उसको हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाके इसके जो पहला लेक्चर है फर्स्ट लेक्चर, इस लेक्चर में स्ट्रेटजी प्लस जो एक इंट्रोडक्शन होता है ब्रीफ इंट्रोडक्शन संविधान का वो दिया गया है। ठीक है, आज हम लोग भारत का भूगोल और जो विश्व का भूगोल है उसको स्टार्ट करेंगे। इसको भी हम लोग मोटा मोटी दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है आपका फिजिकल, दूसरा होता है आपका पॉलिटिकल। ठीक है, फिजिकल में हम लोग बात करते हैं जैसे मान लीजिए कोई पर्वत है, पठार है, मैदान है, उन सबका निर्माण हुआ, निर्माण किन कारकों के आधार पर हुआ। पॉलिटिकल में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये क्या है, पॉलिटिकल मैप है। इस पॉलिटिकल मैप में आप लोग देख पा रहे होंगे ये आपका नॉर्थ उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये आपका अफ्रीका है, ये आपका एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, ये यूरोप है। ठीक है, ये आपका फिजिकल मैप हो गया। ठीक है, तो हम लोग इसको आज स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने अपने सिलेबस को देखा होगा, सो सिलेबस में भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल आपको पढ़ना है। तो भूगोल के पढ़ने से पहले वैसे हम लोग स्टार्ट भारत के भूगोल से करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, भारत के भूगोल से करेंगे, लेकिन हम लोग सबसे पहले सोचेंगे मतलब स्टार्ट करेंगे कि हमारा जो आज भारत है, ठीक है, या जो वर्ल्ड है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, हम लोग बहुत गहराई में ना जाते हुए, ठीक है, एक मोटा मोटी चीज़ों को देखेंगे, उसके आधार पर हम लोग सीधे क्या करें भारत के भूगोल पे आ जाएंगे। समझ लीजिए हमारा जो ब्रह्मांड है, ठीक है, ये एक पहले क्या करता हुआ करता था, एक सिंपली गोला हुआ करता था। ठीक है, लाप्लास का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत के आधार पर, फिर उसके बाद में इसमें विखंडन हुआ, ठीक है, ये टूटा। ठीक है, टूटने के बाद में, ठीक है, ये एक पूरा एक लैंड था। ठीक है, फिर उसके बाद में इसका विभाजन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊपरी जो भाग होता है उसको गोंडवाना लैंड कहते हैं, जो निचले वाला भाग है उसको अंगारा लैंड कहते हैं। ठीक है, जो हमारा भारत है वो गोंडवाला लैंड का ही, आप देख रहे हैं, गोंडवाला लैंड का ही भाग था। ठीक है, यानी सिंपल थी अगर हम बात करते हैं, ये पूरा ब्रह्मांड है। ठीक है, इस ब्रह्मांड में विभिन्न प्रकार के आकाश, मतलब बहुत सी अरबों आकाश गंगाएं हैं। ठीक है, आकाश गंगा में हमारा एक सोलर सिस्टम है। ठीक है, उस सोलर सिस्टम में हमारा एक कॉन्टिनेंट है पृथ्वी। ठीक है, उस पृथ्वी में भी हमारा महासागर है। ठीक है, और महाद्वीप है, महासागर और महाद्वीप। इस महाद्वीप में भी 7 महाद्वीप हैं। उस 7 महाद्वीप में भी हमारा प्यारा भारत है। उस प्यारे भारत में ये हमारा प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, और हम लोग हैं उत्तर प्रदेश के प्यारे विद्यार्थी जो कि उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपको करना क्या है कि आपको करना है उत्तर प्रदेश में राजस्व लेखपाल की परीक्षा की तैयारी, और पढ़ना क्या है आपको पूरा ब्रह्मांड। ठीक है, तो हम लोग आज क्या करते हैं, भारत जो हमारा भारत है भारत को पढ़ेंगे। ये भारत का अपना प्यारा भारत है, ये प्यारे भारत का आपका मैप है। इस मैप को यहीं पे कोशिश करते हैं लगाने की। ठीक है, ये भारत है। जैसा कि मैं आपको फिर से एक मोटा मोटी रिवीजन करा देता हूं कि कैसे ब्रह्मांड से हम अपने भारत में पहुंचते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये देखिए आपका ब्रह्मांड हो गया। ठीक, ब्रह्मांड आप जानते होंगे, ब्रह्मांड में क्या है, आकाश गंगा है,
आकाश गंगा क्या होता है? आकाश गंगा भी क्या होता है? अरबों तारों का समूह होता है। इस तारों के समूह में अपना एक क्या है? सूर्य क्या है? सूर्य भी एक क्या है? तारा है। ठीक है, सूर्य। और जो ये सूर्य तारा है, ये पूरा क्या करता है? एक सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल का निर्माण करता है। सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, कितने उपग्रह, हम लोग बाद की कक्षाओं में देखेंगे। ये आपका सौर मंडल होगा। इसी सौर मंडल में हमारे प्यारी पृथ्वी है। ठीक है, उस पृथ्वी में भी अपना प्यारा देश भारत है। ठीक है, और भारत में हम लोग उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। ठीक है, तो ये कुल मिला के एक सिस्टम है। हमको पढ़ना क्या है? ये भारत, देखिए ये एक हायरार्की है, एक काल। ठीक है, इस हायरार्की को हम लोग को फॉलो करना है, फाइनली भारत पढ़ना है। तो सबसे पहले आज हम लोग भारत का जो भौतिक विभाजन है, ठीक है, उसको ना देखते हुए जो उसका पॉलिटिकल विभाजन है, ठीक है, यानी कि राजनीतिक जो विभाजन है कि क्या कहाँ पर है, भारत की लंबाई चौड़ाई, उसका क्षेत्रफल कितना है, उन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। उन सब चीज़ों को देखने के लिए सबसे पहले हम लोग वर्ल्ड यानी विश्व के मैप पर चलते हैं। विश्व के मैप के में हम लोग ये देखेंगे कि देखिए ये आपका क्या है, ये आपका है एशिया कॉन्टिनेंट। ठीक है, ये आपका है एशिया महाद्वीप। उस एशिया महाद्वीप में ये आपका हो गया भारत। ठीक है, इस भारत को हम लोग इस मानचित्र में देखने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, हमारा प्यारा देश जो भारत है, ठीक है, उस भारत के सबसे पहले हम लोग क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे। क्षेत्रफल के बारे में इसका जो भौगोलिक विस्तार है, उस भौगोलिक विस्तार को देखेंगे। ठीक है, अगर विश्व के संदर्भ में बात की जाए तो आप देखते हैं जो भारत है जनसंख्या के हिसाब से दूसरे नंबर पे है, लेकिन अगर हम लोग क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत कौन से स्थान पे है? सातवें नंबर पे है। ठीक है, क्षेत्रफल में भारत से कौन से बड़े राज्य हैं, उन लोगों को, उन राज्यों के नाम, सॉरी, क्षेत्रफल में भारत से कौन से बड़े देश हैं, उन देशों को, उन देश के नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। उन देशों के नाम हम लोग अगली कक्षाओं में बताएंगे। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल में सातवें नंबर पर है। अगर भारत के क्षेत्रफल की हम लोग बात करते हैं तो 32,87,263 किलोमीटर, ये जो है भारत का क्षेत्रफल है। ठीक है, अब आप लोग ये देखें भारत की जो जो इसका भारत का जो भौगोलिक विस्तार है, उस भौगोलिक विस्तार को देख ही रहे होंगे। ठीक है, ये भौगोलिक विस्तार आप लोग देखिए, सबसे पहले आपको दिशाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है। देखिए हमको क्या करना, हमको सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करनी है, क्योंकि अगर आप लोग देखेंगे आपका जो लेखपाल की परीक्षा हो गया, इवन आप लोग उससे ऊंचे ऊंची भी परीक्षाओं में जाते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हमको सिर्फ अपने ऐसे स्टडी करनी है जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही रिलेवेंट हो। ठीक है, तो उसी संदर्भ में आपको एक एक करके बात बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि सर आप बहुत डीपली नहीं पढ़ा रहे हैं, तो हमको क्या करना है, हमको सिर्फ फोकस करना है लेखपाल की परीक्षा पे। ठीक है, तो आपका ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया। ठीक है, अगर हम उत्तर से दक्षिण के विस्तार की बात करते हैं भारत का, तो भारत का जो उत्तर से दक्षिण का विस्तार है वो 3,214 किलोमीटर है। यानी यहां से लेके यहां तक जो विस्तार है, ठीक है, वो 3,214 किलोमीटर है। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग पूरब से पश्चिम के विस्तार की बात करते हैं, 2,933 किलोमीटर है। ठीक है, आप लोग जानते होंगे जो भारत है, भारत में कुल कितने 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए केंद्र शासित प्रदेश के जो भी
नाम है उन लोगों नामों को ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। फिर जम्मू कश्मीर था, पहले राज्य था, फिर जम्मू कश्मीर राज्य को हटा के आपका केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इसी प्रकार से आपका दमन द्वीप और दादरा नागर हवेली था, इसको भी मर्ज कर दिया गया है। तो इन सब चीज़ों को आप विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछेंगे और आप लोग के मन में दुविधा रहेगी कि 8 केंद्र शासित प्रदेश है कि 9 केंद्र शासित प्रदेश है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा देखिएगा। हमारा जो पढ़ाने का मेन उद्देश्य ये है कि आपके जो अधिकतम क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में देखने को मिले। इसी संदर्भ में क्लासेस चलाई जा रही हैं जो कि पूर्णतया निशुल्क हैं, ठीक है। आप लोग इस कक्षाओं को देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। तो हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भारत का क्षेत्रफल है वो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है, जो इसका उत्तर से दक्षिण की तरफ जो विस्तार है वो 3,214 किलोमीटर है। इसके अतिरिक्त पूर्व से पश्चिम जो विस्तार है वो 2,933 किलोमीटर। देखिए आप क्वेश्चन का नेचर देखिए, क्वेश्चन किस प्रकार आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि बताइए जो भारत का उत्तर से दक्षिण की तरफ जो विस्तार है वो ज़्यादा है, पूर्व से पश्चिम की तरफ विस्तार है वो ज्यादा है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपका उत्तर से दक्षिण की तरफ जो उसका विस्तार है 3,214 किलोमीटर वो ज्यादा है, ठीक है। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन पूछता है वो ये पूछता है कि जो इसका उत्तरतम बिंदु है, यानी कि सबसे उत्तर में पॉइंट कौन सा है, सबसे दक्षिण में पॉइंट कौन सा है, सबसे पूर्व में पॉइंट कौन सा है, सबसे पश्चिम में पॉइंट कौन सा है, ठीक है। तो इन सब चीजों को जानते हैं। इससे पहले थोड़ा सा हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक है, अक्षांश और देशांतर रेखा, उसको हम लोग देखेंगे। क्योंकि हमारे कह देने से उत्तर और दक्षिण, जैसे अभी आपसे अब कोई पूछे कि भारत में उत्तर पॉइंट, आपने बताया कि यह अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश को हम किस प्रकार जो ज्योग्राफी की भाषा, ज्योग्राफी को भाषा में समझाएंगे, उसके लिए हमारा जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी है, ठीक है, इसको समझने की कोशिश सिर्फ करिएगा। हो सकता है कि ये आपको फर्स्ट टाइम समझ में ना आए, क्योंकि ये थोड़ा सा हाइपोथेटिकल चीजें हैं जिसकी कल्पना आपको करनी पड़ेगी। मान लीजिए आप पृथ्वी है, ठीक है, तो ये पृथ्वी है, ठीक है। इस पृथ्वी पर देख रहे होंगे कि इसके आपके, ठीक है, 3/4 भाग पर आपको क्या मिलेगा, जल मिलेगा और बाद बाकी स्थल मिलेगा, ठीक है। आप देख लीजिए, आप इसको समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। ये पूरी पृथ्वी है, ठीक है। आप इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये आपकी पूरी पृथ्वी हो जाएगी। जो आपका ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है वो आपका क्या है, जल है, ठीक है। और जो ये आपका पार्ट है, ठीक है, तो जैसा कि हम बात कर रहे थे, तो आप ये देखिए हमारा क्या है, पूरा ये विश्व है, ठीक है। इस विश्व में आप अगर देखेंगे तो ये वाला जो भाग आपको दिखाई पड़ रहा है आसमानी कलर का, वो आपका क्या है, आपका जल वाला है। और जो ये पार्ट आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है, स्थल है, ठीक है। आपसे कभी के क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कौन सा जो भाग है वो ज्यादा है, तो आप देख रहे हैं कि आपको चारों तरफ नीला नीला दिखाई दे रहा है, यानी जो आपका जो जल वाला भाग है, ठीक है, वो ज्यादा है। अब हम लोग बात करते हैं, मेन हमारा उद्देश्य बताने का ये था कि हम जो भारत है, भारत की स्थिति क्या है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया, जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी को कुछ काल्पनिक रेखाओं में बांट दिया गया है, ठीक है। आप देखिए, जो पश्चिम से पूरब की ओर जो रेखाएं आप देखिए, पड़ी हुई रेखाएं हैं, इन रेखाओं को क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं, ठीक है। और जो उत्तर से, ठीक है, दक्षिण की ओर जो रेखाएं आपको दिखाई पड़ रही हैं, इनको क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं कहते हैं, ठीक है। ये रेखाएं जब एक दूसरे को काटती हैं तो एक जो जालनुमा से संरचना बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो हमारा जो मेन उद्देश्य है वो समझाने का ये मतलब है कि आप जो भारत की स्थिति को देखेंगे तो भारत की स्थिति क्या है, ठीक है। अब देखिए, तो ये जो ये रेखाएं हो गई, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है, क्या है, वो सब जब हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला पार्ट देखेंगे तो उसमें देखेंगे। और जो ये रेखाएं होती हैं, इनको क्या कहते हैं, हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं, ठीक है। तो जो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, जो देशांतरीय विस्तार है, अगर हम उस विस्तार की बात करते हैं तो जो आपका ये अक्षांशीय विस्तार 8 degree 4 minutes से 37 degree 6 minutes और ये आपका हो गया 68 degree 7 minutes से 97 degree 25 minutes, ठीक है।
ये पूर्वी है और ये भी पूर्वी है और ये उत्तरी है, ठीक है, और ये आपका उत्तरी है, ठीक है। ये यानी आपका क्या हो गया, उत्तरी, और ये आपका पूर्वी और ये पूर्वी, ये आपका क्या हो गया, विस्तार हो गया। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो भारत है, भारत का क्या कहते हैं विस्तार कितना है, 8 degrees 4 minutes से 37 degrees 6 minutes तक, ठीक है। तो चलिए जो आज की जो क्लास है, पहली क्लास, वो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले क्लास में जो भारत की और विभिन्न प्रकार की जो विविधताएं हैं, उन विविधताओं को देखेंगे और इसके जो प्रदेश हैं, उन प्रदेशों के बारे में भी हम लोग इसका डीपली अध्ययन करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब भी क्या करें, हमको मोटिवेशन देगा कि हम आपके लिए कुछ और अच्छा कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।